तो चलो भाई, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं WWE 2K16 में 2K शोकेस ऑस्टिन 316, जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का है ऑब्वियसली। और इसका जब मैंने फर्स्ट एपिसोड बनाया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई अब अगला एपिसोड तो नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन देखो मैंने प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा, तो लो भाई 6 दिन के बाद अगला एपिसोड आ गया है। और जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट मैच जो कि होने वाला था एपिसोड 1 में, और जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा भाई, तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देख लेना। और अभी मैच होने जा रहा है शॉन माइकल्स के साथ। The following contest is scheduled for one fall. About to enter the ring from Victoria, Texas, weighing 252 pounds, the co-holder of the WWE Tag Team Championship, Stone Cold Steve Austin. अच्छा, शॉन माइकल्स भी टैग टीम चैंपियन ही थे, यानी कि टैग टीम पार्टनर थे स्टोन कोल्ड के, और इन लोग दोनों में आपस में लड़ाई हो गई थी, और इसलिए इन दोनों का सिंगल्स मैच हो रहा है। तो शॉन माइकल्स के साथ तो ऑब्वियसली बहुत ही क्लासिक मैच होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है भाई, और एक से एक ऑब्जेक्टिव करने मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, आ जाओ शॉन माइकल्स, इंतजार कर रहे हैं स्टोन कोल्ड। और आप लोग इंतजार मत करो भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लो, नहीं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, और देख रहे हो ना शॉन माइकल्स डांस करते हुए आ रहे हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ सर। देखो बिना बॉम्ब फटे एंट्रेंस होगा तो मजा नहीं आएगा यार, बॉम्ब फूटना चाहिए। बुम 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 बुम, फट गया यार, मजा ही आ गया, कुछ और मांग लेना चाहिए था। चलो ठीक है, बहुत देख लिया एंट्रेंस, शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। डैमेज द ओपोनेंट 5 टाइम ड्यूरिंग अ चेन रेस्लिंग सीक्वेंस। अरे यार ये बड़ा पकाओ, ठीक है, इस चेन रेस्लिंग के दौरान 5 बार अटैक करना है। अरे पहले खुद के ऊपर कमांड लेना होगा यार, ये जो खेल है ना बड़ा बेकार लगता है मुझे, और इसमें अटैक भी करना है चेन रेस्लिंग के टाइम पर 5 बार। ठीक है, चेन रेस्लिंग में पहले पकड़ लेते हैं, ये वाला जीतना है मुझे। हाँ ठीक है, अब अटैक कर सकते हैं। चलो भाई अटैक, हाँ एक हो गया है, 4 बार और, 2, 3, 2 बार और। अरे एक बार और जीत लेना चाहिए था मुझे यार, लालच में मैं चला गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस बार वाला जीतूंगा फिर से। हाँ ठीक है, 2 बार और अटैक करना है, 4। अच्छा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है। टॉन्ट द ओपोनेंट यानी कि स्टाइल मारना है। चलो ये चेन रेस्लिंग या तेल लेने, स्टाइल मारना है गिराने के बाद। ठीक है, चिढ़ा दिया शॉन माइकल्स को, चिढ़ा दिया, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट। अब क्या करना है, डैमेज एज भी क्या, ये तो शौक से करेंगे यार, ये तो सबसे सबसे आसान अगर कोई ऑब्जेक्टिव रहता है तो यही रहता है, डैमेज करना अपने ओपोनेंट को। ये चेन रेस्लिंग यार कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, हो गया ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव तो पूरा कर ही लिया है, अब अचार डालेंगे इसका बार बार। शॉन माइकल्स यार ऐसे मत करो यार, प्लीज डैमेज करने दो अपने आप को। ये देखो रिवर्स कर दिया, शॉन माइकल्स कम नहीं है यार, बहुत सता रहे हैं अभी तो यार। स्टोन कोल्ड के करियर में मिस्टर मैकमैन आए भी नहीं है, यानी कि मतलब समझ लो कि अभी ये जो करियर मोड हम लोग खेल रहे हैं या शोकेस मोड, इसमें मतलब अभी शुरू ही हुआ है एक तरह से। 13% मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था 100% में से। चलो ठीक है, ये तेल लेने गया यार, छोड़ो चेन रेस्लिंग, बड़ा हल्का हल्का डैमेज होता है। शॉन माइकल्स कितना रिवर्स कर रहे हैं यार, कितना रिवर्स कर रहे हैं, कुछ मारने देंगे शॉन माइकल्स, क्लासिक आदमी है ये। देखो फिगर 4 लॉक पकड़ लिया, रहे यार कब मेरा टाइम वेस्ट नहीं करवा रहे हैं, टैप आउट मत कर देना, बहुत बेइज्जती हो जाएगी स्टोन कोल्ड। नहीं नहीं टैप आउट नहीं करना, नहीं, हाँ नहीं किया, टैप आउट नहीं किया यार, मार मार के शॉन माइकल्स ने ना 70% कर लिया यार अपना, बस बस हो गया, बहुत हो गया, डैमेज नहीं करने दे रहे यार। ठीक है, आधा डैमेज कर दिया, आधा और डैमेज करना है। रॉक भी नहीं है अभी तक स्टोन कोल्ड के करियर में यार, आ जाएंगे मुझे लग रहा है, अब हम लोग आगे थोड़े बढ़ गए हैं, और मिस्टर मैकमैन भी आ ही जाते हैं, मिस्टर मैकमैन को मारना है मुझे, बस एक दो लात और मेरा काम बन जाएगा भाई। एक और लात से बहुत कम डैमेज होता है, और ग्रैपल ये करने दे रहे नहीं है, रिवर्स कर दिया शॉन माइकल्स ने, मेरा टकला तोड़ दिया। अरे सर पे नहीं मारने का, रिवर्स कर दिया यार, शॉन माइकल्स से इतना सा डैमेज करना बाकी है यार, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलो ठीक है, मेरा रिवर्सल चला गया भाई, आयरिश विप करना है यानी कि दौड़ाना है, ठीक है ये काम तो आसान है।
बस शॉन माइकल्स करने दे मुझे, एचबी की इधर आ जाओ, सिर्फ दौड़ाना है। हाँ ठीक है, स्टोरी दिखाने लगी भाई। ये देखो रेफरी थोड़ा संभल ही कह रहा है, खास करके स्टोन को। अरे रे रे रे, स्टोन कोल्ड मॉक कर रहे थे शॉन माइकल्स के स्टाइल में। स्टोन कोल्ड के मैच में आप लोगों ने नोटिस किया था, मतलब रेफरी हर बार डैमेज होता ही था। रेफरी दूर ही रहा भाई, तेरी सलामती के लिए बोल रहा हूँ। स्टोन कोल्ड और शॉन माइकल्स दोनों ही रेफरी के दुश्मन है, मेन दुश्मन मेरे ही जैसे हैं ये दोनों। अच्छा ये पूरी स्टोरी दिखाएंगे, मुझे भी खेलने देंगे। हाँ ठीक है, अब दो मुझे खेलने। लड़ा दिया शॉन माइकल्स को और स्टोन कोल्ड गिर गए। वाह, स्टोन कोल्ड बचे और ये फिर से फेंक दिया। यार ये चल क्या रहा है, मुझे खेलने देंगे कि नहीं? हाँ ठीक है, फाइनली लगता है मुझे मिलने वाला है। रिंग के नीचे गए एचबी के। अच्छा एचबी के कुछ ज्यादा ही सेल करते थे हर मूव को यार, मतलब क्लोज लाइन मारा रिंग के नीचे और दो बार उलट उलट के गिर रहे हैं, ये ज्यादा हो जाता था। अच्छा एचबी के वर्सेस हुल्क हॉगन किसने किसने देखा है, जिसमें मतलब शॉन माइकल्स ने बहुत ओवर सेल कर दिया था हर मूव को भाई, वो बहुत फनी मैच है। अगर आप देखना होगा ना तो यूट्यूब पे देखना, एचबी के वर्सेस हुल्क हॉगन, बहुत ही फनी मैच है। डैमेज एचबी के यार फिर से यही घूम फिर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है कोई बात नहीं, करना पड़ेगा यार। अरे यार फिर से रिवर्स, कुछ ज्यादा ही रिवर्स करते हैं शॉन माइकल्स यार। शॉन माइकल कैसे सारा रिवर्सल खत्म हो गया है, अगर अभी मैं रिवर्स कर दूं ना तो बड़ा फायदा होगा। शॉन माइकल्स पास सिग्नेचर आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ ठीक है, अब पिटेंगे शॉन माइकल्स, अब मारो भाई, दबा के मारो। इतने छोटे छोटे मूव्स, चलो सिग्नेचर दे देता हूँ और काम हो ही जाएगा, डैमेज वाला ऑब्जेक्टिव खत्म होगा भाई। ठीक है सिग्नेचर दे दिया, गंदे गंदे इशारे करके। हाँ ये बूम, अरे अभी भी पूरा डैमेज नहीं हुआ है। मैं स्टनर नहीं देना चाहता हूँ यार, पता नहीं लास्ट में ये लोग दे देते हैं ऑब्जेक्टिव कभी कभी, ये फिनिशर दे दो तो डैमेज तो थोड़ा ही सा बचा है, वो हम लोग ऐसे भी कर ही लेंगे, तो फिनिशर देने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ ठीक है, ये होगी ऑब्जेक्टिव। आयरिश विप एचबी के इनटू द कॉर्नर, अच्छा ठीक है, रिंग के कॉर्नर में इनको दौड़ाना है। अरे यार ये मेरा ऑब्जेक्टिव के पीछे एकदम दुश्मन बन गया है, अपना सारा रिवर्सल खत्म कर ले रहे हैं पर मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, गलत बात है एचबी के। लगता है इस टाइम डीएक्स नहीं बनी थी, वरना पक्का ट्रिपल एच तो आते ही। ऐसे ये दोनों अभी टैग टीम चैंपियन भी थे और टैग टीम पार्टनर भी थे। एक ही ऑब्जेक्टिव करना है ये। अरे स्वीट चिन म्यूजिक, नहीं नहीं ये पुराना वाला स्वीट चिन म्यूजिक, मुझे पता ही नहीं किसमें रिवर्स कहां पे करना था। और एक सेकंड पहले कर दिया मैंने, जल्दी कर दिया था, कोई बात नहीं इस बार देख लिया है। ऐसे पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, हेल्थ काफी है। हाँ चलो ठीक है, हेल्थ अभी है यार, रेड वाला बार सब जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक तो बच ही सकते हैं पिनफॉल से। मेरा सारा रिवर्सल खत्म हो गया, अगर इस बार आयरिश व्हिप नहीं ना किया कॉर्नर में तब मैं बहुत पिटूंगा। चलो ठीक है अब ढकेलते हैं यार कॉर्नर में, वरना ना ये देखो शॉन माइकल्स ने कमबैक एक्टिवेट कर लिया। पर चलो ठीक है मेरी स्टोरी शुरू हो गई है। शॉन माइकल्स का ये वाला स्टाइल यार खतरनाक था। रेफरी गया, मैं जान नहीं रहा था। स्टोन कोल्ड और शॉन माइकल रेफरी के दो बड़े दुश्मन और रेफरी गिरे नहीं, स्विच इन म्यूजिक नहीं दे पाए, स्टनर बूम पर रेफरी गिरा हुआ। हमेशा यही होता था, 1 2 3 काउंट कर लिया पर कोई फायदा नहीं है। रेफरी होश में आ जा, रेफरी के उठने के आसार मुझे कम ही नजर आ रहे हैं। उठ गया। अरे उठा के स्टनर क्यों दे दिया यार? अच्छा पिनफॉल नहीं ना किया था तो, मतलब पिनफॉल नहीं किया तो एक और स्टनर दे दिया, अब तो और पिनफॉल नहीं करेगा। बड़ा स्वीट चिन म्यूजिक, अब अभी भी रेफरी नहीं है, रेफरी अब तो स्टनर। अरे दूसरा रेफरी आ गया, अरे तो तू ही पिनफॉल कर दे यार। अब इसको मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको भी पढ़ने वाला है स्वीट चिन म्यूजिक? पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ा भाई, खतरनाक दुश्मन है दोनों।
भाई एचबी के ओपी और स्टोन कोल्ड ओपी होना चाहिए, साथ ही साथ रेफरी ओपी भी होना चाहिए भाई, बहुत पिट है। 1-2 किक आउट कर दिया स्टोन कोल्ड ने, बहुत लेट हो गया था यार। अरे मारना मत यार रेफरी को, ये लोग पता नहीं खतरनाक टाइप के दुश्मन है रेफरी के। ये तीसरा रेफरी, अब इसको दोनों मिलके मारेंगे क्या? बेल बजा दी इसने, डिस्क्वालीफाई, डबल डिस्क्वालिफिकेशन आई थिंक। हाँ दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए, लड़ाई हो गई दोनों में। स्टोन कोल्ड कहाँ जा रहे हैं? हाँ देखा, दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अरे स्टोन कोल्ड बेल्ट से मारने जा रहे हैं शॉन माइकल्स को, नहीं लगा, नहीं लगा। अब शॉन माइकल्स बेल्ट से मारने, अरे ठीक है दोस्ती हो गई लगता है आई थिंक। तीसरे रेफरी को भी मार देते ना, बड़ा अच्छा लगता, मार देना चाहिए था यार, मजा आ जाता। चलो ठीक है, दोस्ती हो गई थोड़ी ही देर के लिए, आप क्या कर सकते हैं, चैंपियन भी तो हैं। सही है, मैच की एंडिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती, डबल डिस्क्वालिफिकेशन टैग टीम चैंपियंस में, एक नंबर। और एक दो और तीसरा रेफरी का, अच्छा वो बेहोश है। चलो भाई देखते हैं अगला मैच किसके साथ। ओ नेशन ऑफ डोमिनेशन, रॉक की टीम, accompanied by fellow Nation of Domination members Farouk, Kama Mustafa, and D'Lo Brown is the challenger. Weighing 270 pounds, The Rock, rookie by FIA. अच्छा ये रॉक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं थे, इन्होंने बेल्ट मतलब चुरा लिया था स्टोन कोल्ड का। स्टोन कोल्ड चैंपियन थे इस टाइम पर, आईसी चैंपियन। रॉक का टाइटल था ही नहीं, स्टोन कोल्ड का है। स्टोन कोल्ड आ रहे हैं, ओ गाड़ी से, एक नंबर एंट्रेंस, मजा ही आ गया। धांसु एंट्रेंस, इसीलिए तो शोकेस मोड खेलने में मजा आता है। गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं रिंग में, अच्छा गाड़ी के बोनट से होते हुए रिंग में। नेशन ऑफ डोमिनेशन की पूरी टीम है यार, अकेले लड़ना होगा सबसे। ये देखो मैच शुरू होने से पहले ही तीनों पीटने लगे यार, ये गलत बात है। यार गाड़ी का कुछ यूज होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ गाड़ी पे कुछ तो होना ही चाहिए। अब गाड़ी इतनी अच्छी दिख रही है तो कुछ उसके साथ देखने मिलना चाहिए, कोई कट सीन दिखाना चाहिए यार गाड़ी के साथ। डीलो ब्राउन क्या करने वाला है, ये लगता है गया गाड़ी पे। हाँ मुझे लग ही रहा था, हरकत देख के लग रही थी। ओ भाई सॉलिड लगा भाई, यहाँ पे स्टनर हो जाए, एक स्टनर, अरे वाह एक नंबर, एक आदमी तो गया। रॉक की टीम में दो आदमी लोग और बचे हुए हैं, दो नीचे चले गए। मैच शुरू, डैमेज द रॉक, अरे यार अभी मैं पढ़ ही रहा था, रॉक यार पढ़ने तो देते हैं, डैमेज द रॉक है ठीक है। नीचे नहीं जा सकते जहां तक मुझे लग रहा है, गाड़ी रखी हुई नीचे जाते ना तो गाड़ी पे पटकते रॉक को, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे जाने का ऑप्शन नहीं देंगे ये लोग, इतने अच्छे हैं नहीं। मैं ट्राई करूंगा नीचे जाने का, लेकिन चांसेस कम ही लग रहा है मुझे। अरे ऑटोमेटिक टारगेट है यार, ये नीचे से कैसे टारगेट कर लिया था यार, मैं रॉक की तरफ था पता नहीं, ऑटोमेटिक टारगेट हो गया यार, मैनुअल कर लेना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती। जब भी किसी का मैनेजर आएगा या कोई भी बाहर आएगा ना, तो यार ऑटोमेटिक टारगेट उसके तरफ भी हो सकता है, ये दिक्कत करेगा आगे जाके। मुझे नीचे जाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि रिंग से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं होगा, गाड़ी रखी हुई ना इसलिए। चलो डैमेज हो रहे हैं रॉक अभी, आगे तो और अच्छा अच्छा मैच है इसमें, क्योंकि 2K16 का जो ये शोकेस है इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, और ये मैं फर्स्ट टाइम खेल ही रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी 2K16 का शोकेस नहीं खेला है।
with a nice reversal. और भाई जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर लो भाई, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। रॉक को बाहर फेंका जाए या बाहर जाने का ट्राई किया जाए, जहां तक मुझे लगता है जाने का ऑप्शन होगा नहीं बाहर। आइए देखो रॉक को बाहर, आयरिश विप, हाँ मुझे लगा ही था, मैं भी बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रॉक को पहले गिरा दूं। देखो इतना जोर से हैमर थ्रो किया था ना, रॉक बाहर चले जाने चाहिए थे लेकिन नहीं गए, यानी कि बाहर जाने का ऑप्शन है नहीं। हाँ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं नहीं जा रहा यार, मुझे लगा ही था। आयरिश विप द रॉक इन द रिंग, अच्छा ठीक है, कुछ लगते स्टोरी दिखाई भाई। रॉक खड़े हो जाओ सर, रॉकी मालविया नाम था इस टाइम, स्टोरी दिखाने लगी। हाँ अभी अभी चले जाएंगे यार रिंग के बाहर, जब मैं खेलता रहूंगा तब रिंग के बाहर जाना नॉट अलाउड। ये देखो दोनों मार रहे हैं, अरे रेफरी अंधे, देख ले देख ले। ये देखो एक गिरा हुआ है पर दो और मिल के मारे जा रहे हैं। अरे ओ ये अच्छा था, ये अच्छा था, बहुत अच्छा। फारूक गए, ये भी गए, चलो ठीक है, तीनों का काम तमाम हो गया। अब रॉक है सिर्फ, सिर्फ रॉक को हैंडल करना है, बाकी नेशन ऑफ डोमिनेशन में से तीन तो डाउन हो गए, तीन तीन मैनेजर लेके आए थे रॉक। डैमेज द रॉक, अरे शॉक से रॉक का भी करियर देना चाहिए था यार, रॉक का करियर कभी दिया नहीं, जैसे 2K16 में रॉक का दिया था, सॉरी स्टोन कोल्ड का दिया, वैसे 2K14 जिसके कवर सुपरस्टार रॉक थे उसमें रॉक का करियर देना चाहिए था। ऐसे उसमें भी अच्छा शोकेस था 30 इयर्स ऑफ रेसलमेनिया, लेकिन रॉक का एक अलग से होना चाहिए था। नहीं अब अभी भी पूरा डैमेज नहीं हुआ है रॉक, पूरा डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओहो फिर से रॉक ने कर दिया रिवर्स, एक लात में काम बन जाएगा मेरा। चलो ठीक है अब आई थिंक हो गया डैमेज। हाँ अब क्या करना है, ग्रैपल द रॉक इन द रिंग सक्सेसफुली कंप्लीट क्यूटी, अच्छा इसको कंप्लीट करना है भाई, देखते रहो। स्लैम दे दिया रॉक ने, पीपल्स एल्बो देने जा रहे हैं लेकिन आई थिंक नहीं दे पाएंगे, यहीं पे मुझे कुछ करना होगा। कौन सा बटन दबाना है, सर्कल, हट गए हट गए हट गए, चलो ठीक है। स्टनर स्टनर, वी वांट स्टनर, अरे स्टनर देना चाहिए था यार, इतना स्टाइल मार के स्टनर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दो दो ऑब्जेक्टिव एक साथ कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्या करने का है, हिट द रॉक विद अ स्टनर, ठीक है, और एक क्यूटी फिर से आएगा। अरे तू भाई खड़ा कैसे हो गया, अरे फिर से रेफरी स्टोन कोल्ड, अरे रेफरी को पिनफॉल यार, ये कचड़ा कर दिया स्टोन कोल्ड ने, रेफरी का पिनफॉल। ब्रास नकल से मारने वाले, ट्रायंगल दबा दिया मैंने, पड़ा स्टनर। अब पिनफॉल कौन करेगा, रेफरी तो गिर चुका है दूसरा रेफरी। 1 2 3, अच्छा अभी तक दो मैचेस खेले, दोनों में दोनों स्टोन कोल्ड के मैचेस में रेफरी गिर गए थे। अभी ठीक है आगे देखते हैं ये स्ट्रीक कंटिन्यू होता है कि नहीं, रेफरी मारो स्ट्रीक। तीसरा मैच किसके साथ है भाई, इस मैच में मेरा भी सबसे ज्यादा ध्यान है कि इस मैच में रेफरी बेचारा बचता है, किस मैच में मार खाता है। रेसलमेनिया, अच्छा शॉन माइकल्स के साथ मैच है WWE चैंपियनशिप के लिए। ऐसा एक्चुअली हम लोग ये वाला मैच खेल चुके हैं, याद है 30 इयर्स ऑफ रेसलमेनिया में, रेसलमेनिया मैच है ना, तो स्टोन कोल्ड वर्सेस हम लोग ये शॉन माइकल्स वाला मैच खेल चुके थे। DX के एंट्रेंस से आ रहे हैं देखें, यानी कि ट्रिपल एच भी साथ में आएंगे और माइक टाइसन भी आएंगे जिन्होंने बाद में स्टोन कोल्ड को ज्वाइन कर लिया था ये वाले रेसलमेनिया मैच में। स्पेशल इन्फोर्सर थे, रेफरी नहीं थे, स्पेशल इन्फोर्सर थे, लेकिन उन्हीं की वजह से लास्ट में जीते थे स्टोन कोल्ड। ये देखो ट्रिपल एच तो है पर माइक टाइसन कहाँ है, वो नहीं आया यार साथ में। चलो ठीक है एंट्रेंस उड़ाया जाए। अब ये बीच बीच में ये जो कट सीन दिखाया जा रहा है ना, चलो ठीक है स्टार्ट किया जाए मैच। स्टोरी के साथ शुरू हो रही है मैच। अरे ये माइक टाइसन की जगह कौन खड़ा हुआ है भाई, ये कौन है नीचे,
लगता है माइक टाइसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था भाई, ये कौन खड़ा हुआ है नीचे? भाई मैं सही बोल रहा हूँ ना, माइक टाइसन थे ना, ये कौन है? इसका नाम भी नहीं बोला जा रहा है, पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा 2K का या WWE का, इसीलिए माइक टाइसन को नहीं लिया है गेम के अंदर। हाँ यही रीजन हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है यार, बताओ यार। अच्छा खासा माइक टाइसन को हटा दिया गया गेम से। क्योंकि लास्ट में जो स्पेशल इन्फोर्सर यानी कि माइक टाइसन थे वही पिनफॉल करेंगे लास्ट में एकदम मैच के। ये देखो शॉन माइकल्स शुरू में भागने के लिए तैयार है, बहुत पड़ रही है शॉन माइकल्स को। ट्रिपल एच नीचे इंतजार कर रहे हैं मदद करने के लिए। नीचे मत जाना स्टोन कोल्ड, नीचे नहीं जाना। अरे वाह, ट्रिपल एच के ऊपर फेंक दिया, बढ़िया। मैच शुरू किया जाए और मेरे हाथ पे कंट्रोल दिया जाए यार, तब से मैं वेट कर रहा हूँ। अरे नीचे ट्रिपल एच है यार, ये इतनी आसानी से कुछ करने नहीं देंगे। हाँ देख लो, रेफरी डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, पागल है क्या रेफरी? नो DQ मैच तो नहीं है, रेफरी सामने सामने मार रहा है यार, बैरिकेड पे फेंक दिया। भगा तो कम से कम, निकाल दे भाई, निकाल दे। इस मैच में रेफरी, हाँ इस मैच में तो गिर रहा है रेफरी, ये तो मुझे याद ही है। यानी कि रेफरी मारो स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगा। ये माइक टाइसन का ये था सीन। चलो टाटा ट्रिपल एच, मिलते हैं बाद में भाई, टाटा ट्रिपल एच कर लो भाई चैट में। निकलो, शॉन माइकल्स को हराया जाए। अब अकेले क्या करोगे शॉन? अब लगते यहां से मैच मिलेगा मुझे। डैमेज HBK, शॉक से इसके लिए पूछने की जरूरत है यार। ये स्पेशल इन्फोर्सर पता नहीं यार, सस्ता माइक टाइसन यार कहीं से नहीं लग रहा है। मुझे लगता है 2K का यार कॉन्ट्रैक्ट नहीं बैठा होगा, तो ये मैच नहीं डालना चाहिए था। पर ये स्टोन कोल्ड के करियर का यार सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, फर्स्ट चैंपियनशिप जीती थी WWE चैंपियनशिप, पहली बार, फर्स्ट चैंपियनशिप नहीं, फर्स्ट WWE टाइटल जीता था जहाँ तक मुझे याद है। रिवर्स कर दिया शॉन माइकल्स के साथ हर मैच ना इतना, ए भाई तू स्पेशल इन्फोर्सर ये ले, रेफरी को भी पड़ेगी। और अब शॉन की बारी, आता माजी सटक ली, सबको मारेंगे स्टोन कोल्ड। अरे ये क्या, हवा को क्यों मार रहे हो यार? हवा को नहीं मारना है, सबको मारने में मतलब हवा नहीं आती है। बस एक पंच और, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? परफॉर्मर स्टन गन ऑन HBK, अच्छा रोप के ऊपर रख के ग्रैपल करना है, वही स्टन गन। शॉन माइकल्स अंदर आ जाओ, जो करना है अंदर करना है, ठीक है। बस ग्रैपल करके रिंग पे रखना है, मतलब रोप पे, और उसके बाद फिर से ग्रैपल करना है। यही मूव है, इजी। शॉन माइकल इतनी आसानी से कंप्लीट होने देंगे नहीं है। हाँ मुझे लग ही रहा था, जानबूझ के यार ये लोग खराब करवाते हैं ऑब्जेक्टिव मेरा, पर मैं भी पूरा करके रहूंगा, कितनी कोशिश करनी कर लो, ये ऑब्जेक्टिव तो पूरा होगा। मेरे पास भी रिवर्सल है, वो अलग बात है, सिर्फ दो ही बचा है और शॉन के पास एक बचा हुआ है। देखते हैं भाई पहले किसकी दम छूटती है। हाँ ये गए नीचे, अब तैयार हो जाओ। अगर इस बार रिवर्सल किया ना शॉन ने, तो उनका रिवर्सल छिना जाएगा, तब तो आराम से ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे। चलो ठीक है, रिवर्स किया भी तो शॉन फंसेंगे, और नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। हाँ चलो भाई, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, अब क्या करना है? डैमेज HBK, अरे घूम फिर के उसी पे आ गए। ऐसे मेरे पास सिग्नेचर आने ही वाला है, आ गया सिग्नेचर, दिया जाए गंदे गंदे इशारे करके। आइए रहा बूम, तीन चार लात और ये अचानक से कोई खड़ा होता है ना, उसके बाद फिर अटैक नहीं करता है। आयरिश व्हिप HBK आउट ऑफ द रिंग, ठीक है। उसके बाद स्टाइल मारना है या उनको चिढ़ाना है, जो भी, इनको रिंग से पहले बाहर फेंकना है HBK टाटा, उसके बाद फिर टॉन्ट करना है यानी कि चिढ़ाना है HBK को। चिढ़ा दिया, हो गया। अब अगला क्या, आयरिश व्हिप HBK इन द रिंग। अरे यार ये कितना आयरिश व्हिप, ठीक है अंदर लेके आना होगा पहले शॉन माइकल्स को। अरे बाहर क्यों नहीं जा रहा है,
चलिए एचबी के अंदर, अरे अरे इज्जत से अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आता है, मेरा सारा रिवर्सल चला गया इस चक्कर में। पहले अंदर ढकेलो, उसके बाद फिर अंदर जाके फिर से एक और बार आयरिश विप, यार ये क्या बात है। कुछ स्टोरी दिखाएगी जहां तक मुझे लग रहा है। फाइव हो गया है, ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आयरिश विप एचबी के अंदर ही। चलो ठीक है, स्टोरी दिखाने लगी भाई। टैप आउट तो नहीं करेंगे स्टोन कोल्ड, इस सबमिशन से तो नहीं करेंगे। बेहोश मत हो जाना, हिस्ट्री चेंज मत कर देना। रेफरी गया फिर से इस मैच में, तो हम लोग को पता था कि रेफरी जाने वाला है। यार ये रेफरी के दुश्मन है, खासकर स्टोन कोल्ड और शॉन माइकल्स, और जब दोनों एक साथ एक मैच में रहे तब तो जाना ही है रेफरी को। रेफरी अब उठेगा नहीं, अब सो गया है रेफरी दो तीन साल के लिए। डैमेज एचबीके सक्सेसफुली कंप्लीट क्यूटी, ठीक है एक स्टनर तो बनता है, स्टनर दे या बचा के रखे। अच्छा ये कमबैक देने जा रहे हैं, यार कमबैक मत खाना स्टोन कोल्ड प्लीज। सिग्नेचर आ जाएगा शॉन के पास, हाँ बढ़िया। साइड पिनफॉल नहीं करना है, मेरा सारा रिवर्सल खत्म हो गया भाई। मैं तो बोलता हूँ एक दे ही दिया जाए स्टनर, क्या बोलते हो? अरे छीन लिया मेरा स्टनर और मेरे पास रिवर्सल भी नहीं है, अब पड़ेगी भाई। अच्छा वो भाग गया मैं, बहुत गंदी वाली पड़ती मुझे। एक भी रिवर्सल नहीं है यार मेरे पास। अरे समान से तो निकाल के मार सकते हैं, रेफरी तो है ही नहीं, निकालो हथौड़ा यार। डैमेज करना एकदम आसान हो गया, नहीं बताओ, मैं भी फालतू का टेंशन ले रहा था, रेफरी तो सोया हुआ, अब उठेगा थोड़ी रेफरी। चलो अब क्यूटी पता नहीं कैसे आएगा, अपने आप आएगा। तो रिंग में जाते हम लोग, वेट करते, पता नहीं कौन सा क्यूटी कंप्लीट करना होगा। चलो रिंग में जाते हैं यार, आजो सर। पता नहीं स्पेशल इन्फोर्सर की तरफ मैं बार बार क्यू टारगेट, ऑटोमेटिक टारगेट ना, अगली बार जब मैं एपिसोड शुरू करूंगा ना पहले ही ऑफ कर दूंगा यार, मैनुअल टारगेट कर लूंगा। ऐसे मैच के बीच में कर सकता हूं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। क्या क्यूटी अब लगता होने वाला है? हाँ ठीक है, स्विच इन म्यूजिक देने जा रहे शॉन माइकल्स। स्पेशल इन्फोर्सर ने रेफरी को नीचे खींच दिया, यानी कि माइक टाइसन ने खींचा था, पर ये कौन है पता नहीं। तीन चार, और ये स्क्वायर दबा दिया भाई, बचा स्टनर से ये भी बच गया। एक और बार मैंने कंप्लीट किया और ये बूम, एक नंबर। स्पेशल इन्फोर्सर वन टू थ्री, WWE चैंपियन माइक टाइसन से हाथ भी मिलाया था, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं भाई, माइक टाइसन का कोई जिक्र नहीं। ये पता नहीं कौन है यार, इसको मैं नहीं जानता। WWE चैंपियन बन गया यार, इस पर लाइक तो बनता है यार, जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर लो भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। देखिए अगला मैच किसके साथ होगा। मिस्टर मैकमैन अभी तक क्यों नहीं आया यार? रॉक आ गए, शॉन माइकल्स आ गए, मिस्टर मैकमैन को भी आ जाना चाहिए। अब अगला मैच किसके साथ है? अनफॉरगिवन पेपरव्यू में हो रहा है, अरे डूड लव, अच्छा इनके साथ है, चलो सही है, डूड लव के साथ है यार। WWE चैंपियन बने हुए ना अभी तक, क्योंकि कहानी आगे बढ़ा देते हैं ये लोग, तो कोई ठीक नहीं चैंपियन बने हुए कि नहीं बने हुए, देखने दो यार। हाँ चैंपियन बने हुए, सही है। अच्छा इस टाइम पे स्टोन कोल्ड ने मना कर दिया था कि वो मिस्टर मैकमैन के लिए काम नहीं करेंगे, और स्टनर विस्टनर मार दिया था, मतलब अब कहानी शुरू हो गई है मिस्टर मैकमैन के साथ वाली। डूड लव को मारना है, ठीक है भाई, डैमेज करना है, समान से तो मार नहीं सकते यार, समान से मारना रहता ना, ये डैमेज वाला ऑब्जेक्टिव ना दो सेकंड में कंप्लीट हो जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कंप्लीट करेंगे। और 2K17 का अगर आप लोग कमेंट करके करियर मोड पूछोगे कब आएगा, तो इस हफ्ते वो भी आएगा भाई, टेंशन नहीं लो, बोल दिया है एपिसोड वाले जितने भी हैं सब हफ्ते में एक एक बार। सिग्नेचर देना है लूथन स्प्रेस, ठीक है सिग्नेचर आने तो दो यार।
मिक फॉली या डूड लव के हेड को डैमेज कर रहा हूं मैं, पर मुझे कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, क्योंकि दो तीन बार मैच हुआ था इन लोग का, तो यही वाला मैच है कि नहीं। एक चीज अगर हुई ना तो मैं समझ जाऊंगा कि वही मैच है, आप लोग बताऊंगा नहीं, आप लोग का सरप्राइज खराब नहीं करूंगा, जिसको भी पता नहीं है उसके लिए तो स्पॉइलर नहीं दूंगा। सिग्नेचर आ गया है, दौड़ के सिग्नेचर देना है, यही ऑब्जेक्टिव है। लो भाई कंप्लीट डैमेज डूड लव आउटसाइड द रिंग, अच्छा रिंग के बाहर ले जाके डैमेज करना है। इनके पास ऐसे भी रिवर्सल है नहीं, चलो रिंग के बाहर चलो सर, एक स्टनर दे दूंगा रिंग के बाहर, डैमेज वाला मीटर कंप्लीट हो ही जाएगा। यहां से कूदने से अच्छा खासा डैमेज होना चाहिए, नहीं रिंग के बाहर कूद रहे हैं यार, प्लीज आधा मीटर भर जाना इतना सा। चलो एक काम करते, स्टनर देते खत्म करते हैं यार, डैमेज मीटर फुल हो जाएगा। स्टनर देने का ऑप्शन आ, अरे जल्दी आ, हाँ ये लो छीन लिया स्टनर, यार पिछले मैच में भी छीन लिया था। अच्छा इस मैच में देखना है रेफरी गिरता है कि नहीं, अभी तक आज तीन मैचेस खेले भाई। ये देखो बाहर सबमिट करवा के पता नहीं क्या ही कर लेंगे, अगर टैप आउट कर भी दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बाहर। हाँ इस मैच में देखना है भाई कि रेफरी गिरता है कि नहीं, तीन मैच में है, तीनों मैचेस में रेफरी गिरा है, तो रेफरी मारो स्ट्रीक कंटिन्यू होता है कि नहीं इस मैच में पता चल जाएगा। अगर इस मैच में भी रेफरी गिरा और बेहोश हो गया, यानी रेफरी मारो स्ट्रीक कंटिन्यू है। सिग्नेचर है डूड लव के पास, मेरे पास नहीं है यार सिग्नेचर, मेरा छीन के बैठे हुए अंदर भी फेंक दिया मुझे, और बाहर ही मुझे डैमेज करना है, अंदर मार के मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। चलो सर बाहर चलो यार, इज्जत से बाहर आ जाओ, डैमेज मीटर तभी चालू होगा। चलो ठीक है इस बैरिकेड पे पटकूंगा, अरे यार कुछ मेरी चाल चलने ही नहीं दे रहे, ये नॉर्मली मार देता हूं मैं लात वात। चलो ठीक है एक लात और काम हो जाएगा, चलो ये भी हो गया, अब क्या करना है, थ्रो डूड लव इनटू द रिंग, इनको अंदर फेंकना है, ये तो आसान ही है। अब इसके बाद क्या, ग्रैपल डूड लव, ठीक है ग्रैपल कर लेते हैं भाई, कुछ कहानी दिखाने लगी। अरे बाप रे, ये तो टैप आउट करवाने के चक्कर में, ये देखो आ गए मिस्टर मैकमैन, पैट पैटरसन, मिस्टर मैकमैन एंड हिज स्टूजेस, जेरी ब्रिस्को, हां ये आए कांड करवाने के लिए स्टोन कोल्ड का। चेयर क्यों लेके आए, मारने के लिए। मिस्टर मैकमैन को मैं स्टनर दूंगा भाई, बस मुझे मौका मिले, कहानी में नहीं, कहानी में स्टोन कोल्ड देंगे वो उनके ऊपर, मैं खुद से स्टनर देना चाहता हूँ मिस्टर मैकमैन को, कहानी नहीं ऐसी मैच के बीच में, पता नहीं मौका मिलेगा तो जरूर दूंगा। फड़ा लिया स्टोन कोल्ड ने, सही है, गलत जगह पे मारा, सही है। मिस्टर मैकमैन को दिखा दिया साइन, पर फंसा के पिनफॉल, भाई यार ये पिनफॉल फंसाया और मुझे दे दिया वन, ठीक है सिग्नेचर आया हुआ है डूड लव के पास, थोड़ा ध्यान से, पता नहीं क्या सिग्नेचर मुझे याद भी नहीं है, फिनिशर तो क्लॉ होगा लेकिन सिग्नेचर क्या है। चलो मेरे पास भी सिग्नेचर आ गया भाई, स्टनर तो मिस्टर मैकमैन का है, स्टनर आ गया मेरे पास, दे क्या हूँ क्या दे सकते हैं, पता नहीं मार भी सकते हैं कि नहीं मिस्टर मैकमैन को, चलो ट्राई कर लेते हैं यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है, मिस्टर मैकमैन की तरफ, अरे वाह मार सकते हैं यार, मार सकते हैं, बढ़िया अब तो स्टनर पड़ेगा भाई, तैयार हो जाओ, आजा स्टनर आजा। लो भाई ये था मजेदार काम, अब चलो डैमेज करते हैं डूड लव को, क्योंकि भाई वो असली ऑब्जेक्टिव है, ये तो हम लोग मजे के लिए करते रहते हैं, मिस्टर मैकमैन को मारने में एक अलग मजा है। आ जाओ डूड लव, वो भी खासकर स्टोन कोल्ड से, मेरे पास सिग्नेचर नहीं है, स्टाइल मारने के चक्कर मैंने फिनिशर मिस्टर मैकमैन को दे दिया, लेकिन बड़ा मजा आया यार। मैच तो नहीं आ रही, हम लोग हेल्थ बहुत ही ज्यादा है, तो एक स्टनर देख के दिल को बहुत शांति मिली,
आगे भी मौका मिला जरूर मारूंगा, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अभी मैच पे ध्यान देते हैं। डैमेज हो गया, अब क्या करने का है? आयरिश विप डूड लव इन द रिंग, ठीक है, और सक्सेसफुली कंप्लीट क्यूटी। यार इसमें ना बड़ा प्रेशर रहता है, अगर गलत कर दिया ना, गलत बटन दबा दिया तो इतिहास चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी फेल हो जाएगा। तो ध्यान से, अरे मिस्टर मैकमैन की तरफ टारगेट, ये ऑटोमेटिक टारगेट यार, सिग्नेचर खा गया मैं इस चक्कर में, धत तेरी की, पाइल ड्राइवर है यार इनका सिग्नेचर, फिनिशर आ गया डूड लव के पास, मैंडिबल क्लॉ। डूड अंदर आ जा भाई, ये आयरिश विप कर दिया भाई, अब पता नहीं क्या करना होगा, कौन सा बटन दबाना है। सबमिशन पकड़ लिया डूड ने, और मिस्टर मैकमैन चीटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, मैंने सही दबाया बटन, बेल बजाने वाला है, ये मुझे चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मना कर रहे हैं अब, क्योंकि स्टोन कोल्ड ने ना सबमिशन पकड़ लिया है। चालू मिस्टर मैकमैन, अच्छा किया स्टनर दिया यार, रेफरी गिरेगा कि नहीं गिरेगा इस मैच में, क्या लग रहा है रेफरी इस मैच में, अच्छे से पिनफॉल या सबमिशन देखने के लिए होश में रहेगा या बेहोश रहेगा, ये क्लॉ देने वाले मुझे। अरे ये कैसा कि ग्रैपल करके क्लॉ देते, मुझे लगा हाथ डालेंगे फिंड जैसा, लेकिन यार इनका स्टाइल अलग था। कोई बात नहीं, पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, बहुत हेल्थ है, चलो ठीक है, 75% हो गया डैम। क्या करना है, आयरिश विप डूड लव इन द रिंग, कितना बार एक ही ऑब्जेक्टिव, चलो ठीक है भाई ये भी कर लेते हैं हम लोग। आयरिश विप, हाँ पटक दिया मुझे मिस्टर मैकमैन, चीटिंग कर, ओह इतनी खुशी, अभी खुशी गम में बदलेगी, रुक जाओ। मिस्टर मैकमैन स्टिल एट रिंगसाइड, मैकमैन एंड ऑस्टिन हैव गॉट अमेजिंग राइवलरी, रेफरी चेक, अरे ये स्वीट चिल म्यूजिक देने जा रहे हैं यार, ड्यूड इज जिगलिंग द मैन, डज ही थिंक ही इज द शो स्टॉपर, भाई ये अपने आप को शॉन माइकल समझ रहे हैं क्या, चिल म्यूजिक, हे ड्यूड यू आर नॉट शॉन माइकल, यू आर फ्यू दिखा दी अपना साइन, रेफरी गिर गया, स्ट्रीक कंटिन्यूज भाई, रेफरी मारो स्ट्रीक कंटिन्यूज, लेकिन इस बार स्टोन कोल्ड ने नहीं गिराया, इस बार मतलब उनके वजह से गिर गया, पर गिरे ना वो काफी है। ये पढ़ रहा भाई मैनकाइंड को जबरदस्त, स्टनर और पिनफॉल करने के लिए कोई है नहीं, क्लॉ दे देंगे ना तो यार ये मिस्टर मैकमैन तो घंटी बजवा देंगे, हार जाऊंगा मैच, क्लॉ मत खाना पूरी तरह से, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं स्टोन कोल्ड, हारने ही वाले स्टोन कोल्ड, पर रेफरी बेहोश है हमेशा की तरह, मिस्टर मैकमैन उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं, रेफरी बेहोश है, रेफरी अब अगले साल उठेगा, रेफरी नहीं उठने वाला भाई, दूसरा रेफरी लेके आओ। स्टोन कोल्ड नीचे जा रहे हैं, फिर से ये क्लॉ देने वाले भाई, ना 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 दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, रिंग के नीचे, अब लगता है मुझे मैच खेलने मिलेगा, हाँ मिलने वाला है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हिट डूड लव विद अ चेयर आउटसाइड द रिंग, चेयर से मारना है भाई, मैं चेयर से डूड लव को नहीं, मैं मिस्टर मैकमैन को मारूंगा, अरे ये मैं मिस्टर मैकमैन को मारने जा रहा था यार, चेयर छीन लिया यार मिस्टर मैकमैन ने, अरे मिस्टर मैकमैन की वजह से अच्छा खासा मारता ना, डूड लव चेयर से मारने जा रहे हैं, बच जाना स्टोन को, बच गया, लेकिन अभी भी हाथ में चेयर है, ये दोबारा बच गए भाई, देखो सर ये गेम प्ले पूरा नहीं होगा अगर मिस्टर मैकमैन को चेयर नहीं पड़ी तो, बहुत बढ़िया, हम मजा आ गया यार, स्टोन कोल्ड ओपी एक और बार होना चाहिए भाई, इसी बात पे चेयर ओपी होना चाहिए, चेयर ओपी, रेफरी नहीं है पिनफॉल करने के लिए, अब क्या करने का है, ऑब्जेक्टिव बताओ भाई, स्टनर देना है, ठीक है स्टनर दे देते हैं, फिनिशर तो है ही, बूम परफेक्ट स्टनर, पिनफॉल करने के लिए कोई है नहीं, वन टू, खुद से पिनफॉल, स्टोन कोल्ड जीत भी गए, घंटी भी बच गई यार, मतलब ये क्या बात है, मतलब ये तो चीटिंग है यार, अच्छा रेफरी अब होश में आ गया भाई, बेहोश था अभी कुछ सेकंड पहले तक, मतलब ये क्या था,
खुद से पिनफॉल कर लिया। शॉन माइकल्स वाले मैच में खुद से पिनफॉल किया था तो कुछ नहीं हुआ था, अभी खुद से पिनफॉल किया तो घंटी बज गई। वाह यार, कुछ भी सही यार, WWE मतलब अपने हिसाब से रूल्स चेंज करते रहते हैं। सही है यार, WWE के मजे। अगला मैच किसके साथ है? ओवर दी एज पेपरव्यू में होने वाला है, May 31, 1998, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस डूड लव। अच्छा फिर से कोई स्पेशल मैच है क्या? स्टिपुलेशन क्या है? द रैटल स्नेक वर्सेस चिक मैग्नेट, WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन, आओ हैव मर्सी। ये कैसा मैच है यार, पता नहीं क्या होगा इस मैच में। तो चलो भाई इसको अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कर लेना और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।